महिलाओं के ऐसे नहाने पर घर में गरीबी और बर्बादी आती है। महिलाओं को नहाते समय ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्या महिलाओं को नग्न होकर नहाना चाहिए? साथ ही मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, कौन से वो काम है जो आपको स्नान से पहले कर लेने चाहिए, स्नान के बाद ये काम करना वर्जित है, और कौन से ऐसे काम है जो आपको बिना स्नान किए करने ही नहीं चाहिए। इसी के साथ दोस्तों हम जानेंगे एक छोटा सा उपाय जो आपको नहाते समय करना है। बहुत ही सरल उपाय है, हर कोई ये आराम से कर सकता है, लेकिन अज्ञानतावश आप ये कर नहीं पाते और इसका फल आपको नहीं मिलता। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों महिलाओं के ऐसे नहाने पर घर में गरीबी और बर्बादी आती है, किस प्रकार से आइए जानते हैं। दोस्तों क्या सच में महिलाओं के साथ साथ बाकी लोगों के इस प्रकार नहाने पर घर में बीमारियां और कंगाली आती है? क्या सच में एक औरत के ऐसे नहाने पर घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है? दोस्तों हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे काम रोजाना करते हैं जो हमें याद तक नहीं रहते, लेकिन एक काम ऐसा है जो हमें हमेशा याद रहता है, वो है नहाना। हम रोजाना पिछले कई सालों से जब से जन्म हुआ है तब से नहाते आ रहे हैं। अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो भी सबसे पहले हम नहा धोकर फ्रेश होते हैं। हमारी जिंदगी में नहाना बहुत ही जरूरी है, बिना नहाए हमारे सभी कार्य असफल रहते हैं। नहाना हमारी जिंदगी में उतना ही उपयोगी है जितना हम सुबह शाम खाना खाते हैं। यहाँ तक कि हम बिना नहाए धोए किसी भी धार्मिक कार्य में बैठ भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो नहाते समय ये गलतियाँ जरूर करते हैं, जिसके कारण घर में बर्बादी आने लगती है और घर में भयंकर बीमारी आना शुरू हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी गलती है जो हमें नहाते समय कभी भी नहीं करनी चाहिए, खासकर लड़कियों और महिलाओं को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों नंबर एक, अधूरा साफ शरीर। अगर कोई आपसे ये कहे कि आप ठीक तरह से नहीं नहाते हैं तो शायद आप भी इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि 80% लोग ये गलती हमेशा करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने भविष्य में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि आधा अधूरा नहाने पर व्यक्ति की कुंडली भी बिगड़ जाती है। इसीलिए अधूरा काम कभी भी ना करें और जब भी नहाएं तो अपने शरीर को पूरी तरह से साफ जरूर करें। दोस्तों नंबर दो, गलत तरीके से नहाने पर घर में आती है बर्बादी। किसी भी महिला को पूरी तरह नग्न होकर यानी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। नहाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके ऊपर एक वस्त्र तो होना ही चाहिए, एकदम सफाचट होकर बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। खास तौर से महिलाओं को रात के समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो ये आपके ऊपर दोष लगा सकता है, जिससे घर में गरीबी आती है और बीमारियां जन्म लेती है। नंबर तीन, नहाने के बाद शरीर पोंछने के लिए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के तौलिए का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। इससे कई प्रकार के त्वचा रोग हो जाते हैं, खासकर दांत, खाज, खुजली जैसी समस्या हो जाती है। इसीलिए साफ तौलिए का इस्तेमाल करें, साथ ही कभी भी आप दूसरे व्यक्ति के कपड़े भी ना पहने, इससे भी दोष लगता है। नंबर चार, वैज्ञानिकों की माने तो नहाते समय सबसे पहले तुरंत सर पर पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन काम करना बंद कर देता है और हार्ट अटैक आना व पैरालाइज होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए नहाते समय सबसे पहले पैरों पर पानी डालें और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ें। दोस्तों नंबर पाँच, अगर आप बाहर से आ रहे हैं और थके हारे हैं तो घर आते ही तुरंत नहीं नहाना चाहिए। इसके अलावा जिम करने के तुरंत बाद व दौड़ करके आने के तुरंत बाद कभी भी नहाना नहीं चाहिए, इससे आपके शरीर पर गलत असर पड़ता है, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए आप ये गलती भूलकर भी ना करें। दोस्तों हर काम का एक समय होता है, एक नियम होता है। वैसे तो हमेशा हमें सुबह उठते ही सुबह स्नान कर लेना चाहिए और हर काम शुद्ध होकर ही करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो आपको स्नान से पहले कर लेने चाहिए, जबकि कुछ काम ऐसे भी है जो आपको स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो कार्य। नंबर एक, वायु पुराण में बताया गया है कि आपको भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल स्नान के पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। माना जाता है कि स्नान के बाद तोड़े गए पुष्पों को भगवान स्वीकार नहीं करते, साथ ये भी कहा जाता है कि पुष्पों को कभी भी धोया नहीं जाता। नंबर दो, ऐसा कहा जाता है कि पूजा के बर्तन और थाली स्नान के पहले साफ कर लेने चाहिए। दरअसल भगवान के बर्तनों को भी झूठा माना जाता है, स्नान के बाद इन्हें साफ नहीं करना चाहिए। झूठे बर्तनों को स्नान के बाद छूने से शरीर अशुद्ध हो जाता है, ऐसे में व्यक्ति का फिर से स्नान करना अनिवार्य हो जाता है। नंबर तीन,
शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप शरीर पर मालिश करना चाहते हैं तो आपको स्नान से पहले ही कर लेनी चाहिए, भूल से भी नहाने के बाद मालिश नहीं करनी चाहिए। दरअसल तेल मालिश करने से शरीर से कई दूषित पदार्थ बाहर आ जाते हैं, इसीलिए नहाने के बाद मालिश करने पर ये साफ नहीं हो पाते, तो इस वजह से त्वचा के रोग होने की आशंका रहती है। अगर आप नहाने से पहले ही मालिश कर लेंगे तो नहाते वक्त सारे दूषित पदार्थ धुल जाएंगे। नंबर 4, अगर आप स्नान के बाद रोजाना पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले आपको रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि पूजा करने के लिए शरीर एकदम शुद्ध होना चाहिए, लेकिन रसोई में अक्सर झूठे बर्तन भी रखे होते हैं, तो इस कारण पूजा करने से पहले रसोई में जाने से आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है। नंबर 5, एक बात आपको ध्यान जरूर देनी है दोस्तों कि आपको स्नान करने के बाद ना ही अपने वस्त्र साफ करने चाहिए और ना ही भगवान के। माना जाता है कि स्नान के बाद अगर आप पहने हुए कपड़ों को साफ करते हैं तो आपका भी शरीर अपवित्र हो जाता है, उसके बाद आप पूजा नहीं कर सकते। इसीलिए आपको स्नान करने से पहले ही अपने और भगवान दोनों के कपड़े साफ कर लेने चाहिए। नंबर 6, तुलसी माता को जल चढ़ाना। दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्रों में काफी पवित्र माना जाता है ये। तुलसी को हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है, ऐसे में इस माँ के पास सिर्फ सकारात्मक सोच लेकर ही जाना उचित है। अगर आप मानसिक तनाव लेकर या डिस्टर्ब माइंड लेकर तुलसी में जल अर्पित करेंगे तो आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही जब आप तुलसी में जल चढ़ाएंगे तो हाथ जोड़ने के बाद तुलसी की एक पत्ती प्रसादी के रूप में अवश्य खा लें। इससे आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा देर तक शरीर में बनी रहेगी और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। दोस्तों नंबर 7, नहाने के तुरंत बाद सबसे पहला काम भगवान की पूजा होना चाहिए। नहाने के बाद आपका माइंड सबसे ज्यादा क्लियर होता है, साथ ही आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी अधिक रहती है। ऐसे में जब आप सीधा पूजा घर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो आपका भगवान से संपर्क होने के चांस अधिक रहते हैं। भगवान सकारात्मक ऊर्जा वाले भक्तों की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं, यही कारण है कि शास्त्रों में भी स्नान के बाद भगवान की पूजा अर्चना करने के बारे में कहा गया है। नहाने के बाद अगर आप कोई दूसरा काम करते हैं तो आपकी ये सकारात्मक ऊर्जा वेस्ट हो जाती है, इसीलिए नहाने के बाद सबसे पहला काम भगवान की पूजा अर्चना का ही करें। दोस्तों नंबर 8, सुबह निकली सूरज की किरणें हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होती है। जब आप स्नान कर सकारात्मक ऊर्जा के साथ सूरज को जल देते हैं तो इसकी किरणें आपकी सकारात्मक ऊर्जा को और भी बूस्ट कर देती है, अर्थात आपकी पॉजिटिव एनर्जी डबल हो जाती है। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप जरा एक बार नहाने के तुरंत बाद सूर्य को जल चढ़ाकर देखिए, आप काफी अच्छा और फ्रेश फील करेंगे। आइए अब जानते हैं कि स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे सभी बुराइयों का अंत होगा और कौन सा वो काम है जो आपको स्नान के समय जरूर करना चाहिए। दोस्तों मंत्र है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् स्निधि कुरु। यानी इस मंत्र का मतलब है, हे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती सिंधु और कावेरी माँ, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस प्रकार से इस मंत्र का जप करने से सभी प्रकार की नकारात्मकता, बुरी नजर, रोग बीमारियां नष्ट हो जाती है और व्यक्ति जीवन में सुख और समृद्धि को पा लेता है। इसी के साथ दोस्तों ये छोटा सा काम नहाते समय जरूर करें और महिलाएं ये काम जरूर करें तो पूरा घर सुख शांति व समृद्धि से भर जाएगा, धन दौलत अपार होगी दोस्तों। और वो काम ये है दोस्तों कि आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेना है, बस ये काम आप कीजिए और फिर देखिए किस तरह से आप जल्द ही मालामाल हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।